पूर्णिया पुलिस ने फॉरविसगंज में बंधन बैंक कर्मी से 12 लाख के लूटकांड में शामिल अपराधियों को धर दबोचा है। मरंगा थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम देने की फिराक में पुलिस ने लुटेरों के गैंग को पकड़ा है। धरपकड़ अभियान में अररिया पुलिस भी शामिल थी। ज्वाइंट ऑपरेशन में गैंग का सरगना मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सरताज और इफ्तिखार को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इन लोगों के पास से पिस्टल, मैगजीन, कारतूस के अलावा बाइक, 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग हिस्ट्री शीटर हैं। 22 फरवरी को बैंक कर्मी को लूटने के अलावा दर्जनों कांड में कई जिलों की पुलिस को इनकी तलाश थी। मामला है कि मरंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला कुख्यात अपराध कर्मी मोहम्मद जावेद आलम है और यह संगठित गिरोह के रूप में पूर्णिया जिला और सीमावर्ती जिला अररिया और अन्य जिला में भी अपराध करता है। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम गठित करके छापामारी का निर्देश पूर्व में भी दिया गया था और वन विभाग के पास इसके छापामारी करने के लिए टीम गई थी। टीम के साथ उलझ गए थे जिसमें कि एक व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गया था, उसमें यह भागने में सफल रहा था। लेकिन पुनः कल दिनांक 28/2/24 को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सूचना मिली कि यह अपराध कर्मी किसी बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए महालक्ष्मी पेट्रोल पंप मरंगा के पास एकत्रित हो रहा है। तत्क्षण उन्होंने टीम का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में, जिसमें कि रूपक रंजन सिंह SHO मरंगा, अभय रंजन सब इंस्पेक्टर उत्तम कुमार और टाइगर सिपाही श्रवण कुमार, राजीव कुमार टाइगर सिपाही रामाशंकर और DIU पूर्णिया की टीम साथ में थी। कुछ अररिया से भी इनपुट था, अररिया के लोग भी ज्वाइंट वेंचर में थे। कुछ यहाँ और अररिया में भी रेड किया गया जिसमें इनके कुछ सहयोगी अररिया में भी पकड़े गए। तो छापामारी किया गया तो इसमें मोहम्मद जावेद, सरताज आलम और इफ्तिखार ये तीन अपराधी पकड़ाए। इनके पास से एक देसी पिस्टल, उसमें एक मैगजीन, एक गोली, जिंदा गोली, छिनतई किया हुआ लूट का 5 मोबाइल, एक हुंडई एसेंट कार बरामद है। लूट के पैसे से खरीदी गई R15 जो अररिया में लूटा गया था बंधन बैंक अभी रामपुर के नहर के पास में पकड़ाया गया था, जिसमें एक अपराधी पकड़ाए भी थे, ये लोग भागने में सफल हो गया था। तो उसका उसी पैसे से R15 मोटरसाइकिल खरीदा गया है और फारविसगंज में जो वही अभी लूट हुआ था अररिया में उसका उसमें प्रयुक्त उजला रंग का अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। कैश भी जो है करीब 7200 रुपया कैश भी बरामद हुआ है। तीनों कहाँ के रहने वाले हैं सर? इसमें मोहम्मद जो है आपको जावेद जो है ये मिल्की वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है, जबकि सरताज आलम जो है वो लालगंज मिल्की वार्ड नंबर 5 का रहने वाला है और इफ्तिखार जो है वो चंपा नगर क्षेत्र रामपुर के रहने वाला है। इन लोग का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, जावेद का पुराना आपराधिक इतिहास है और हमारे यहाँ यह कस्बा थाना में और ये जो है के नगर थाना में ये वांटेड भी है। मोस्ट वांटेड ये मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी में से है।